चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल में अमृत योजना के तहत 50 नई मिनी बसों के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बसों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। बताया जा रहा है कि बीसीएलएल के 18 नए रूट पर ये बसें चलेंगी। इसका लाभ शहर की 4 लाख आबादी को मिलेगा। मिनी बसों में कई तरह की सुविधा दी गई है। महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा भी दी गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस की भी व्यवस्था यहाँ पर बस में की गई है। इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। मंत्री ने कहा है कि इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 50 नई मिनी बसों को भोपाल नगर निगम सीमा से बाहर 25 किलोमीटर परिधि में भी संचालित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में 1100 नई बसों का भी संचालन होगा। इसमें 300 बसों की सौगात भोपाल को दी जाएगी, बाकी जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर को दी जाएगी। तो सीसीटीवी और जीपीएस की सुविधा नई बसों में उपलब्ध रहेंगी। साथ ही साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इन्हें हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। तो भोपाल को 50 बसों की नई सौगात मिली है, जिससे लोगों को आने जाने की सुविधा मिल पाएगी। बाकी जो शहर है उनके लिए भी नई मिनी बसें सरकार की ओर से दी गई है। तो सीसीटीवी और जीपीएस की सुविधा से लैस ये बसें लोगों के लिए राहत लाएगी।